सरोकार। दुनिया में फिर बजा पीएम मोदी का डंका, अप्रूवल रेटिंग में दुनिया की महाशक्तियों को पछाड़ा। कार का शीशा तोड़ बीजेपी नेता राजू झा पर की अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर फरार, जांच में जुटी बंगाल पुलिस। यूपी में ओबीसी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी, घर घर तक जाएंगे कार्यकर्ता, राहुल अखिलेश को घेरने की तैयारी। बारिश से संकट में किसान, एक्शन में सीएम योगी, तत्काल राहत देने का निर्देश। अप्रैल तक आंधी तूफान और तेज बारिश के आसार, दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हरदोई के संडीला पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संचारी रोग नियंत्रण और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने लोगों को सरकार के कार्यों से सहयोग करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में पूरा प्रदेश गुंडों की गिरफ्त में था, लेकिन आज पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। एक अच्छी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश गुंडों की गिरफ्त में था, आज प्रदेश में कानून का राज है और पूरे प्रदेश की जनता लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और भी आशीर्वाद दे रही है। एक सवाल और, अखिलेश यादव जो है 3 तारीख को रायबरेली में काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे, भाई देखिए वो भटक रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है। सत्ता के लिए प्रदेश की जनता पूरी तरह से सपा को साफ कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। सहारनपुर में केंद्र सरकार के कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि आज केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व का आह्वान पर आज ये ज्ञापन दिया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार उनको सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे 5 सवाल हैं। अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच क्या रिश्ता है ये बताएं। 20,000 करोड़ रुपये किसका निवेश हुआ है ये बताएं। बाहर कितनी बार विदेशी यात्रा में साथ गए हैं, कहां कहां किस देश में ठेका दिया गया ये बताएं। EFO का जो पैसा है, जो शेयर मार्केट में या अडानी जी के यहां लगाया गया है, जिसमें कर्मचारियों का, आम आदमियों का जो अंधकार में भविष्य जा रहा है, उसको बताएं। ये हमारी मांगे, 5 सवाल। महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी की जनता को ये बताने का काम करें। कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को ही बता दे, अगर जनता को नहीं बता देते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं देते, तो आदरणीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को इन 5 सवाल का जवाब दे दे, ताकि जनता, भारत की जनता जान सके कि जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं और उनका क्या रिश्ता है। रायबरेली के ऊंचाहार से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता अतुल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस नेता अतुल सिंह ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर SDM ऊंचाहार को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश के हर तहसील और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में आज हम लोग ऊंचाहार तहसील में SDM साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम सबकी मांग है कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, इसकी जांच महामहिम राष्ट्रपति जी कराएं और 20,000 करोड़ रुपए कहां गया और इतना लोन अडानी जी को मोदी सरकार क्यों दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।
और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो मोदी सरकार है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, नष्ट करने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए पूरे भारत के जनमानस को एक होना होगा। खासकर मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप सब भी चौथे स्तंभ हैं, देश के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, आप सब भी जागरूक हाई हैं और भी प्रयास करिए कि गांव तक खबर जाए कि किस तरह देश के एकता और अखंडता को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। एक तरफ जहां सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है, तो वहीं पर तैनात अध्यापक सरकारी निर्धारित समय से के बाद पहुंचते हैं। इसके बाद विद्यालय में नौनिहालों से किताबों की बोरी उतरवा रहे हैं। गौरतलब है कि जिन हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए, उनके हाथों पुस्तकों की बोरी दिखाई दे रही है। इसको लेकर जब अध्यापक से बात की गई तो जवाब मिला कि आप उतार दीजिए पुस्तकों की बोरी। इससे जाहिर होता है कि जो अध्यापक सही से बात करने की सीख नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। ये मामला जिले के सूरतगंज शिला क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय रतनपुर का है। बता दें, विद्यालय में बाल श्रम का कार्य देखने को मिला है। बच्चों द्वारा बोरी उतरवाई जा रही है, जहां माँ बाप बच्चों को विद्यालय भेजते हैं अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, वहीं नौनिहालों से पुस्तकों की बोरियां उठवाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर जब अध्यापक से बात की गई तो जवाब मिला कि आप ही उतार दीजिए। इससे जाहिर होता है कि जो अध्यापक सही से बात करने की सीख नहीं, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आनंद अवस्थी हमसे जुड़ चुके हैं। आनंद, विद्यालय में बाल श्रम का कार्य हो रहा है, नौनिहालों से किताबों की बोरी उतरवाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला? मयूरी जी, पूरा मामला बताना चाहेंगे कि रतनपुर स्कूल का मामला है। आए दिन बच्चे झाड़ू लगाते दिखाई दे रहे हैं और जो टीचर वहाँ के हैं, टीचर ले लतीफी से भी आ रहे हैं। जब हम लोग कवरेज किए शाम को, तो उन्होंने, राजाराम अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि आपका अथॉरिटी क्या है 5 बजे की देखने के लिए, या भाई आप बोरी उतारिए, ये बच्चे उतारने दीजिए। और एक दिन का नहीं, अनेकों दिन का मामला पूरा है कि जहाँ सूरतगंज क्षेत्र में अनेक विद्यालय हैं जहाँ बच्चे झाड़ू लगाते हैं, बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है। वहाँ पे जहाँ झाड़ू हो या पन्नी बिनाना हो, घास फूस साफ कराना विद्यालय का हो, और अक्सर कह के रतनपुर विद्यालय में सुर्खियों में बना रहता है कि बच्चे झाड़ू लगाते हैं, गोबर भी साफ करते हैं, जनरलों के बैठने के लिए बोरी उतार रहे हैं, और जब कहो कुछ तो उल्टा रूप लगाते हैं बच्चों अध्यापक। आनंद, तो अब वीडियो भी वायरल हो गया है, क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। और शिक्षा क्षेत्र सूरज इनके रतनपुर है, कथा कला है स्कूल, 2-3 विद्यालय हैं जहाँ बच्चे झाड़ू लगवाया जाता है, अगर बोरी ढोई जाती हैं, और अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग इस कार्रवाई करने पे मौन दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद आनंद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 12वीं की छात्रा ने स्कूल जाना इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उसके मोहल्ले का लड़का रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। पहले पीड़िता ने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो उसने अपने परिजनों से शिकायत की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा लिखा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही एक मामले में कुछ दिन पहले एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। दिल्ली से सटे इलाके में यह हाल देख कर ऐसा लगता है कि दूर दराज देहात में क्या हो रहा होगा। देखिए, 30 मार्च 2023 को थाना खोड़ा पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक लड़की को उसके मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। सर, ऐसा ही मामला पूर्व में देखा गया था जहां एक छात्रा ने फांसी लगा ली थी लड़के से परेशान होकर, किस तरह से पुलिस देखती है इस मामले को? देखिए, आपको ज्ञात होगा कि उस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए लड़के के ऊपर NSA तक तामील कराया हुआ है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। बाराबंकी में जिले के हर ब्लॉक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र, खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस नेत्री पूर्व प्रमुख चित्रा वर्मा की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक सिरौली गौसपुर पहुंचकर खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार को ज्ञापन दिया। कई दिनों से जो है ना, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई। अपनी चोरी छिपाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है विपक्ष की आवाज़ दबाने का, वो बहुत ही निंदा और बुद्धिहीनता का घोतक है। इस संबंध में हमने 5 पॉइंट पर माननीय खंड विकास अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है? गौतम अडानी यूपी की रायबरेली की मिल एरिया पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले कई महीने से पुलिस के लिए सिरदर्द बने 7 शातिर चोरों को पुलिस ने दबोच लिया और उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए लाखों के जेवरात के साथ ही हजारों की नकदी व एक बोलेरो गाड़ी व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया। चोरी का खुलासा करते हुए कई चोरी की घटनाओं का भी कबूला और ज्यादातर चोरियां मिल एरिया थाना क्षेत्र में की गई। वहीं उनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मिल एरिया पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में सीतापुर के एक बड़े चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिनके द्वारा विगत दिनों में कोतवाली क्षेत्र और मिल एरिया क्षेत्र में कई घरों में चोरियां की गई थी। ये जो पकड़ा गया गैंग है, पूरा गैंग सीतापुर का है और इसके साथ इमरान पकड़े गए हैं, जिसमें वो भी पकड़ा गया है जो घरों की रेकी करता था और वो सुनार भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास ही लोग चोरी के जवाहरात वगैरह बेच कर उनसे पैसा लेते हैं। पकड़े गए वकीलों के पास से जिस गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे बोलेरो, वो उसका चालक भी पकड़े गए हैं। कुल बरामदगी की वैल्यू तकरीबन 20 लाख इसमें चोरी किया सामान और कैश मिला करके कैश करीब 70,000 रुपये की बरामदगी है। प्रदेश में अवैध असलाहा फैक्ट्री को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के जंगल से अवैध असलाहा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध असलाहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से बड़ी संख्या में असलहे और अधबने असलहे बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि भट्टी जलाकर अवैध असलहा बना रहे थे शातिर अपराधी। वहीं मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जहां 4 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव गांव के बाहर कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल मृतक के परिजन डी पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सहारनपुर जिले के कस्बा देवबंद में बाइक में लगा तेज आवाज वाले हॉर्न बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चलते हॉर्न का विरोध करने वाले और बाइक सवार के बीच हाथापाई के बाद मारपीट हो गई और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।